भारतीय वास्तुशास्त्र हो या भारतीय ज्योतिष शास्त्र, वो विभिन्न चीजों के बारे में संपूर्ण जिक्र करता है। कौन सी चीज शुभ है, कौन सी अशुभ है, इसके बारे में विशेषकर बताते हैं। वास्तुशास्त्र में इस चीजों के बारे में बताया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती हैं, घर की बरकत को खत्म करती हैं और धन की कमी पैदा करती हैं। इसी श्रेणी में एक है मधुमक्खी का छत्ता। आजकल मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। जो इस श्रेणी में नहीं आता है वो अलग है, उसके बारे में वास्तुशास्त्र कुछ नहीं कहता है। यह एक आधुनिक पेशा है। यदि प्राकृतिक रूप से उड़ती मधुमक्खियां आपके घर में आकर छत्ता बनाती हैं, तो यह अशुभ है। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसलिए इसे अपने घर से हटा दें। इसकी उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आप इसे खुद से या पेशेवरों को बुलाकर अपने घर से हटा सकते हैं। माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद आपके जीवन को सत विकसित कर सकते हैं। अतः आप घर में किसी भी जगह छत्ता देखें तो उसे तुरंत हटा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होता है, क्योंकि यह एक गरीबी का प्रतीक है, संकेत है। इसलिए मां लक्ष्मी इस प्रकार के घरों पर अपना आशीर्वाद नहीं देती है।